हाय स्टूडेंट, टीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कि अकाउंटिंग टर्म्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना हम अकाउंटिंग आसानी तरीके से नहीं कर पाएंगे। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो कल मैंने बताया था कल के क्लासेस में कि सभी लोग गोड्स, स्टॉक, वाउचर और बैड डेट ये घर से पढ़ के आएंगे, यही मैंने बोला था ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले यही हम लोग आज के क्लास में समझेंगे कि रियल में गुड्स किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, बैड डेट क्या होता है और वाउचर क्या होता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं। तो ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारा बिजनेस है, अब ऊपर देखना होगा आप लोग को, दिखाई दे रहा है ना। जो हमारा बिजनेस है, तो सपोज मान लीजिए जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, या बिजनेस एसके ट्रेडर्स के नाम से स्टार्ट हुआ है, एसके के नाम से, तो यहाँ पे सबसे पहला यह सवाल यह है कि जो हमारा बाउचर जो होता है, क्या होता है बाउचर, तो बाउचर का मतलब होता है प्रमाणक। क्या होता है? प्रमाणक डॉक्यूमेंट। नोट्स मत देखिएगा, ठीक है? नोट्स घर के लिए है, घर पे पढ़िएगा, मैं यहाँ तो बताऊंगा समझाऊंगा। तो देखो, जो ये बाउचर है, बाउचर का मतलब होता है प्रमाणक डॉक्यूमेंट। क्या मतलब है कि जब यह एस के किसी भी ट्रांजेक्शन को करेंगे, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन सौदा। हमने समझाया था आपको कि जो ट्रांजेक्शन, जो भी सौदा करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे, और लेन देन हमने क्या क्या समझाया था, अब चाहे ये इसके परचेज करें, चाहे यह सेल करें, ध्यान देना, चाहे यह परचेज करें, चाहे यह सेल्स करें, चाहे पेमेंट करें, चाहे रिसीव्ड करें। तो मैंने बोला था सुबह से लेकर शाम तक जो भी ये करेंगे, टोटल ट्रांजेक्शन ही करेंगे। खरीद रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, तो एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि बाउचर एक ऐसा प्रमाणक है जिसको जिस नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, जैसा ट्रांजेक्शन होता है, उसको उसी में रखा जाता है। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, तो जब खरीद रहे हैं जिसके लिए बनाया गया परचेज बाउचर, समझे? कोई गुड्स हम बेच रहे हैं, इसके लिए बनाया गया है सेल बाउचर। पेमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बनाया गया पेमेंट बाउचर। पैसा रिसीव कर रहे हैं, जिसके लिए बनाया गया रिसीव बाउचर। मतलब बाउचर क्या है? एक प्रमाणक है, एक डॉक्यूमेंट है, जहां पे सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर बताइए, इसको मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं कह दूं कि सुबह से लेके जितना ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं सबको रिकॉर्ड करो और एक ही जगह रिकॉर्ड करो, तो अगर एक कॉपी में अगर आप रिकॉर्ड करते हो, ध्यान देना, अगर आप कॉपी में रिकॉर्ड करोगे तो कभी खरीदे कभी बेचे, कभी खरीदे कभी बेचे, आप रिकॉर्ड करते जाओगे, कभी पैसा दिया कभी लिया। लेकिन अब हम आपसे पूछ रहे कि कितना रुपए का परचेज किया हमने, कितने रुपए का सेल किया, वो थोड़ा सा एक बार में हमको थोड़ा डाटा बता दो, तो हम आसानी तरीके से नहीं बता सकते, ठीक है? क्योंकि छाटना पड़ेगा एक एक करके। लेकिन उसको पहले ही अलग अलग बना दे तो परचेज वाला अलग, ठीक है, सेल वाला अलग, ठीक है, उसका पेमेंट वाला अलग, तो बहुत होगा, 2 मिनट लगेगा बता देंगे जोड़ के। तो परचेज आज का 1 लाख रुपए का हुआ है, सेल 2 लाख रुपए का हुआ है, पेमेंट इतने का हुआ है, तो सिस्टमेटिक तरीके से बता दो। यही बोला गया है कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं बाउचर। तो पहले जो तो काम होता था, वह काम होता था हम लोग बुक में, डे बुक में, जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब यह काम हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, चाहे टैली हो गया, चाहे बीसी हो गया, मार्क हो गया, चाहे सेफ हो गया, अदर बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बाउचर बनाए गए हैं। बाउचर इसलिए बनाया गया है कि जैसा आपके सिग्नेचर का ट्रांजेक्शन है वो ऐसे बाउचर का इस्तेमाल करेंगे, आगे रिपोर्ट देने में आसानी होगी और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम कर ले जाएंगे, ठीक है? तो वहां इस्तेमाल होता है किसका?
वाउचर बोला जाता है। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें डेली बिटवाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके। क्लियर है सबको? चलिए, तो यही मैं आपको बता रहा था। देखिए जो नोट्स में दिलवाया हूँ आपको, इसमें लिखा भी गया है इसके बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा नोट्स में मैंने दिया इसका मतलब क्या है। क्या लिखा गया है? किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वाउचर। ठीक है, अब चाहे कैश मेमो हो, ठीक इनवाइस हो, या कोई चलान हो, रिसिप्ट हो, ETC, सब क्या है हमारे एक प्रकार के, मतलब वाउचर से रिलेटेड, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे। अब मान लो क्या है, कोई इनवाइस हमको देना है, तो जब तक इनवाइस कब मिलेगा? जब वाउचर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, या रिसिप्ट कब मिलेगा? जब वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो ये क्लियर है वाउचर का मतलब? बोलो, अभी कोई डाउट है बताइए आप। चलिए, इसी के साथ साथ अगला जो आता है वो आता है गुड्स। थोड़ा तो घर से भी आप लोग पढ़ के आना, आप लोग अब तो ये ऐसा तो नहीं सर्च करना है कहीं से। ठीक है, आपको घर से पढ़ के आना है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, देखो अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या समझना, जो अगर गुड्स पर जो शब्द है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए एक बिजनेस का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक व्यापारी, अब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, मतलब ध्यान दो, ये इसके जो है फॉर एग्जाम्पल, या इलेक्ट्रॉनिक सामान पे डील करते हैं। किस सामान पे? इलेक्ट्रॉनिक सामान पे डील करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अब इलेक्ट्रॉनिक सामान में सपोज मान लीजिए का कोई, ठीक है, कंप्यूटर केयर है, तो सपोज मान लीजिए क्या बेच रहे हैं? कीबोर्ड बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ETC, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रिंटर। तो जो कीबोर्ड है, जो माउस है, ठीक है, जो मॉनिटर है, जो CPU है, ये इनके लिए क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। यही बोला गया है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु क्या कहलाता है? उसके लिए गुड्स कहलाता है। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पे जो ये गुड्स है, ठीक है, अब आप लोग इसमें भी आपको थोड़ा डिसाइड करना होगा कि यह जो खरीद रहे हैं यह किसके लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, रियल में बेचने के लिए कि व्यापार को चलाने के, समझना, रियल में जो खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं कि व्यापार को चलाने के लिए खरीद रहे हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा कंडीशन आता है कि यह व्यापार को चलाने के लिए खरीद रहे हैं, तो उसे गुड्स नहीं माने, ध्यान देना। मतलब वो वस्तु खरीद रहे हैं एकदम क्रय विक्रय करते, खरीदते और बेचते हैं, वही उस वस्तु, मतलब वही वस्तु उस व्यापारी के लिए गुड्स कहलाएगा। अब ऐसा नहीं हमें फैन खरीद लिया और लगा दिया, ठीक है, हवा खाने के, ठीक है, तो ये हमारा गुड्स नहीं है, हमारा एसेट। लेकिन वही फैन खरीद लिया और मैंने रखा है, कस्टमर आ रहा है उसको बेच रहे, तो हमारे लिए वो गुड्स है। ध्यान देना, दोनों फर्क है। ठीक है, तो ध्यान देना, वह वस्तु है जो तो आपने खरीदा है, जिसे व्यापार को सुचारू रूप से चला रहे हो, अस्थायी और अस्थायी रूप से चला रहे हो, समझ लो आपके व्यापार की वह एसेट। लेकिन वह वस्तु में जो आप लोग खरीद रहे हो किसकी उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से, तो वह समझिए आपके लिए व्यापार के लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है, ध्यान देना, ये क्लियर है सबको? जो कीबोर्ड है, माउंट है, मॉनिटर है, CPU है, हम बेचने के लिए रखे हैं अपने गोडाउन में, ठीक है, अपने शोरूम में, तो समझ जाओ वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो ये गुड्स जो हमको मिलते हैं ना, जो ये गुड्स हमको मिलते हैं, जो वस्तु, जो माल मिलते हैं हमको, तो आप कितने टाइप के मिल सकते हैं, इसको थोड़ा तो समझने की कोशिश करना। एक बड़े से व्यापारी लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे देखो, सबसे पहले ये गुड्स ऐसे मिल सकता है, रॉ मटेरियल ग्रुप में मिल सकता है, बोलो, कच्चे पदार्थ के रूप में। फिर से यह गुड्स एक और कंडीशन मिल सकता है, प्रोसेसिंग किट है। प्रोसेसिंग किट है, आपको सर क्या मतलब है? आधा कार बना, आधा नहीं बना है, समझे? ठीक है, मान लो पूरा सब जितना बनाना बना लिया, ठीक है, उसमें कुछ और है जो चक्का उसमें नहीं लगाया हमने, लाइट व्यवस्था भी नहीं किया है, तो समझे प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो भी हमारे व्यापार के लिए वो एक प्रकार के भी गुड्स ही है, इसका भी कोई गुड्स इसी, मतलब चाहेंगे तो मैं क्या करूंगा, कभी ऐसा कंडीशन आएगा तो इसी पे डील करके बेच सकते हो,
ठीक है, लोग बनाते रहना आप लोग, ठीक है, कम थोड़ा सा रेट लेके हम चाहेंगे तो, मेरा मन नहीं कर, नहीं सोच रहे हैं कि व्यापार क्यों आगे बढ़ाए, चाहेंगे हम इसको रॉ मटेरियल को भी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, तो मतलब इसको भी लोग बेचते हैं, इसको भी लोग बेचते हैं, और एक जो फिनिश गुड्स में जो कार तैयार कर रहा है तो गुड्स हमारे व्यापारी के लिए सही, ठीक है, तो तीन कंडीशन मिल सकता है, एक रॉ मटेरियल के रूप में, एक प्रोसेसिंग के टाइम और एक फिनिश गुड्स के टाइम, ठीक है, लेकिन तीनों का हम डील ही करेंगे, ठीक है, वो वस्तु है जिसपे व्यापारी क्या करता है, डील करता है, बेचता है, कोई उस व्यापारी के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है, ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। तो देखिए यहाँ पे नोट्स में मैंने मेंशन भी किया है और बताया भी है, इसी के नीचे दिया है, क्या दिया है, गुड्स, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है, दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है, वह वस्तु जिसका मेन उद्देश्य है खरीद के क्या करना हमको, बेचना है, तो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा बाबू, गुड्स कहलाएगा, क्लियर है सबको, इसमें किसी कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना पूछिए, ठीक है, जानने वाले हैं स्टॉक के बारे में, क्या है स्टॉक के बारे में, देखो स्टॉक का मतलब क्या, समझने की कोशिश करना, जो स्टॉक है इसे अकाउंटिंग के भाषा में इन्वेंट्री भी बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना, जब एक व्यापारी व्यापार करता है तो व्यापार जिसका व्यापार वो करता है, जिसमें वो डील करता है, वो वस्तु मंगवाता है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सामान पे डील करते हैं, तो इनके लिए कीबोर्ड हो गया, जो माउस हो गया, ठीक है, जो सीपीयू है, ठीक है, जो प्रिंटर है, या इनके लिए क्या बोले जाएंगे, गुड्स बोले जाएंगे, इतना क्लियर है सबको ना, तो इसी गुड्स पे वो क्या करते हैं लोग, डील करते हैं, तो जो इस गुड्स पे जो डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके दुकान पे हम गए, तो मैंने जब गया तो मैंने देखा कि 5 पीस कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 पीस माउस पड़ा हुआ है, ठीक है, 15 पीस सीपीयू पड़ा हुआ है, ठीक है, और 5 पीस प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो मतलब इसके गोडाउन पे, मतलब उसके शोरूम पे, उसके गोडाउन पे हम गए, तो डील तो इस पे कर रहे थे, गुड्स क्लियर है, गुड्स कहेंगे कहेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम जब गया मैंने इसके दुकान पे देखा, इसके गोडाउन में देखा, इसके पास प्रेजेंट टाइम में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब जो गुड्स पड़ा हुआ है, 5 पीस कीबोर्ड का पड़ा हुआ है, 10 पीस मॉनिटर का पड़ा हुआ है, 15 पीस सीपीयू का पड़ा हुआ है, और 5 पीस प्रिंटर का पड़ा हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम में जो हम जाके देखे और जो इनके गोडाउन में, इनके शोरूम में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब ये बिका नहीं हुआ, बिका नहीं है, तो समझ जाओ ये इनके व्यापार के लिए बोला जाता है स्टॉक, क्या बोला जाता है स्टॉक, मतलब अगर किसी फर्म पे किसी दुकान पे चले गए, जो गुड हमारे पास प्रेजेंट टाइम में पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, बेचने के बाद या खरीदे तुरंत पड़ देता है, वही हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है, जैसे मान लो सपोज मेरा एक छोटा सा दुकान है किराना का, ठीक है, और मैंने एक बोरी क्या मंगाया, शुगर मंगवाया, ठीक है, या एक बोरी आलू मंगवाया, तो प्रेजेंट टाइम अगर मेरे दुकान पे तुम लोग आते हो, तो अगर मैं मंगवा दिया अब उसको बेचा नहीं, या बेचने के बाद कुछ बचा हुआ, मतलब प्रेजेंट टाइम मेरे तुम कस्टमर मेरे दुकान पे आते हो, तो अगर मंगवाया है जो रखा हुआ है 2 बोरी, एक बोरी आलू का, एक बोरी शुगर का, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम तुम बोल सकते हो कि एक बोरी का स्टॉक पड़ा हुआ है शुगर का पड़ा हुआ है, एक बोरी जो आलू का पड़ा हुआ है, मतलब मैं वो तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में किसी फर्म पे किसी दुकान पे चले जाते हो, किसी गोडाउन में किसी शोरूम में चले जाते हो, तो जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो गुड्स पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है, प्रेजेंट टाइम उसके गोडाउन में उसके शोरूम में दिख रहा है, उसी के मोड पे स्टॉक, ठीक है, और स्टॉक मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो उसके लिए स्टॉक है, उसी स्टॉक को ही बोलते हैं गुड्स, उसी पे लोग ठीक करते हैं, अब बताओ यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में क्या है, सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, एक पेन खरीदा, मार्कर खरीदा, रिमोट खरीदा, तो इस तरह अगर कोई पूछता है आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम बताएंगे कि रिमोट का एक, ठीक है, मार्कर का एक, पेन का एक, मतलब प्रेजेंट टाइम इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन अब मान लो कोई मेरा ग्राहक आया और इसको मैंने बेच दिया, ठीक है, अब बेच दिया चला गया,
जब चला गया इतना, कोई पूछता है कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 2 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मार्कर का कितना है, ये रिमोट का कितना, या और मान लो रिमोट भी बेच दिया, कितना में आया तो कितना बताएंगे, ये मार्कर मतलब प्रेजेंट टाइम में जो गोडाउन में शोरूम में जो गुड्स दिखता है कोई व्यापार के लिए क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। इसलिए गुड्स अनसोल्ड गुड्स वो एक प्रकार का हमारा क्या है, गुड मतलब स्टॉक कहलाता है। ठीक है, अब स्टॉक में भी हमारे आते हैं 2 तरह, एक आता है ओपनिंग स्टॉक और एक आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, तब बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो पहले तो स्टॉक मैंने क्लियर किया, अब ये स्टॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा गया है, पहले यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि समझना है बहुत ही जरूरी है। देखो, जब एक व्यापारी एक बिजनेसमैन जिसमें वो डील करता है, जो सामान मंगवाता है, फॉर एग्जाम्पल 5 पीस कीबोर्ड मंगवाए, क्या मंगवाए, कीबोर्ड मंगवाए, ठीक है, 10 पीस हमने माउस मंगवाए, क्या माउस, तो देखो जो हमने 5 पीस कीबोर्ड का मंगवाया, ठीक है, 10 पीस माउस का मंगवाया, यह जो हमारा व्यापार में जो आ रहा है प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग में, यही स्टॉक हमारा बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक, क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लियर है। और देखो मैंने बताया था फाइनेंशियल के बारे में, जो फाइनेंशियल का स्टार्टिंग क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके, अरे यार टैली में नहीं पढ़ाया था ना, लेकिन पेंशन वाला बताया था, समझाया था, और 1 अप्रैल 22 से जाएगा कहाँ तक, 31 मार्च 2023 तक, यह क्लियर है सबको, मतलब यह है मैंने बताया था। तो देखो कि जो स्टार्टिंग में मतलब अप्रैल में जो मंगवाया था, तो टोटल यह 5 पीस किसका मंगवाया था, कीबोर्ड का, 10 पीस माउस का, तो टोटल अगर कोई कह दे पूरा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो हम बता देंगे 15 पीस का स्टॉक पड़ा हुआ, कितने का पड़ा हुआ है, 15 का, मतलब स्टार्टिंग में हम मंगवाए 15 पीस, उसमें कोई पूछे कितना कीबोर्ड कितना माउस, तो हम बता दिए 5 कीबोर्ड और 10 माउस, तो यही जो स्टार्टिंग जो माल मंगवाते हैं 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल 2 अप्रैल मई में जून में जो भी है स्टार्टिंग टाइम पे, कुछ नहीं अप्रैल में मंगवाएंगे, व्यापार स्टार्ट किए मई में तो कम मंगवाएंगे, अप्रैल में मई में मंगवाएंगे, तो जो स्टार्टिंग में जो माल स्टार्टिंग में आ रहा खरीद रहे हैं वही हमारा ओपनिंग स्टॉक है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं, हम उसको माल को रखेंगे, ठीक है, उसको बेचेंगे भी तो, ठीक है, तो मान लो अप्रैल में मंगवाया था, हमने अप्रैल में नहीं बेचा था, मई में ग्राहक आए तो मई में बेच दिया, जून में आए तो जून में बेच दिया, जुलाई में आए तो जुलाई में बेच दिया, सब बेचने उचने के बाद लास्ट में जब हम 31 मार्च को देखे जो फाइनेंशियल का एंड है, तो हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ था 2 पीस कीबोर्ड का और 5 पीस माउस का, तो जो 2 पीस कीबोर्ड का बचा हुआ है, 5 पीस माउस का बचा हुआ है, तो यही जो स्टॉक है, इसको अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक, क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है सबको, क्लोजिंग स्टॉक जो ये बचा हुआ है, मतलब बेचने के बाद लास्ट में फाइनेंशियल के लास्ट जो माल पड़ा होता है उसे बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग कितने का हम मंगवाए, 5 कीबोर्ड का, ठीक है, 10 माउस, तो बताए 15 पीस टोटल पड़ा हुआ है, ओपनिंग हमारा इतना ही फिर हुआ है, अब हमने क्या किया बेचा, और साल भर के बीच कुछ मंगवाया नहीं, केवल इसी को हम रखे थे इसी को बेचना था, तो बेचते साल भर में बेचे तो क्या है, हमने 3 कीबोर्ड बेचा था और 5 माउस बेचा था, जब माइनस किया तो 2 कीबोर्ड बचा था और 5 माउस बचा था, तो जो बचा हुआ माल है ये हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में करवा दो, और यही क्लोजिंग स्टॉक ये अगले साल में क्या हो जाएगा, ओपनिंग, मतलब कैसे, आप बताइए, जो मेरे पास रिमोट या पेन जो पड़ा हुआ है, क्या 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल गया है, तो कल मेरा ग्राहक आएगा कहेगा नहीं बेटी पुराना है, पिछले साल का है, नहीं अरे यार ये तो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, लेकिन इसको उठा के लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो है ना कि गोडाउन में पड़ा हुआ है और जैसे 31 मार्च है तो उसको निकाल के फेंक देंगे, फिर तो नया सामान ला के रखेंगे, मतलब यही क्या हो जाएगा अगले साल का, फिर एंट्री जब करेंगे इसको क्या दिखाएंगे, ओपनिंग में दिखाएंगे, इस साल का 1 अप्रैल का ओपनिंग जो है, 2 का कीबोर्ड और 5 का माउस,
ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जितना मेरा कीबोर्ड है या जितना मेरा माउस है इतना ही बेचेंगे, जब नहीं बेचेंगे तब फिर से खरीदेंगे, कुछ दिन और मंगवा सकते हैं फिर तो और स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ऐसे मंगवाते रहते भेजते रहते हैं, इतना समझना जो स्टार्टिंग मंगवाया वो ओपनिंग है, जो लास्ट बचा है क्लोजिंग है, और पूरा जितना पड़ा हो उसमें स्टॉक की। क्लियर है? तो इसको देखिए, यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है, ठीक है, स्टॉक के बारे में नीचे होगा क्या समझाया जा रहा। देखो, स्टॉक का ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल के अंत में बचा हुआ गुड्स, थोड़ा सा एक गलती हो गया है, थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है, क्या सही कर लो यहाँ पे। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स क्या बोलोगे? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, मतलब सबके लिए एक क्लोजिंग स्टॉक ही है। गुड्स गुड्स स्टॉक कहलाता नहीं, लिखना क्या लिखोगे? जी, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। किस पेज पे है? तीसरे पेज पे है, तीसरे पेज पे 24 नंबर। बाबू चलिए आगे बढ़े, थोड़ा दो तीन और वर्ड छोटे छोटे पढ़ लेते हैं जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो, मैंने अभी देखो ऊपर से मैं आता हूँ, उसमें अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। आप बताइए, अकाउंट अभी नहीं बताया है, बिजनेस क्या तो बताया हूँ, प्रोपराइटर, अकाउंटिंग पीरियड अभी डिस्कस किया हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बताया, एंटिटी बताया है, ट्रांजेक्शन बता दिया, एसेट्स बता दिया, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम नहीं बताया, एक्सपेंचर, एक्सपेंस कल ही पढ़ाया था, इसको एक्सपेंचर के नाम से भी जानते हैं, पढ़ाया ना आपको, गेन नहीं बताया, लॉस नहीं बताया, डिस्काउंट नहीं बताया, वाउचर बता दिया, गुड्स बता दिया, ड्रॉइंग्स ये भी बता दिया, बोलो परचेज सेल क्या होता है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, स्टॉक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, मतलब मैथ्स मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दिया हूँ, पांच छह ऐसे वर्ड है जो हमको और बताना है और आपको समझाना है, उसमें भी दो और सीख लो आज। स्टॉक के नीचे देखो एक ऑप्शन है, डेबिटर और क्रेडिटर, तो ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार और समझ लो जिससे थोड़ा सा आपको आगे चल के दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके से उसका जवाब दे जाओ, और उसके बाद जो बाकी है वो अगले क्लास में समझेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। देखो ध्यान देना, यहाँ पे बताया जाता है डेबिटर्स के बारे में, डेबिटर्स डेबिटर्स मतलब होता है समझो देनदार, देनदार, और जो क्रेडिटर्स है उसका मतलब होता है लेनदार, ठीक है। डेबिटर मतलब देनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार। अब कब हमारे व्यापार में डेबिटर्स होगा और कब हमारे व्यापार में क्रेडिटर्स होगा इसको समझिए। जब ध्यान दो, जब मेरा व्यापार किसी को सेल करेगा, सेल करेगा मतलब बेचेगा, किसको बेचेगा जी? कस्टमर को। तो जो कस्टमर को बेच रहा है ध्यान देना, तो कस्टमर का कोई ना कोई नाम होगा, राम, रहीम, सुरेश, जो भी हो, तो मान लो इनका नाम है राम, तो जो राम है यह इस बिजनेस के लिए क्या बोले जाएंगे? कस्टमर। और कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है डेबिटर, क्या बोलते हैं? डेबिटर। और डेबिटर मतलब क्या होता है? देनदार, मतलब हमको ये पैसा देंगे, कब देंगे? जब माल बेचेंगे तब, क्लियर है? लेकिन वहीं पे अगर मान लो ये राम हमारे क्या है, अभी इनसे हम परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, तो यही जो राम है हमारे क्या हो जाएंगे? सप्लायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? सप्लायर। और सप्लायर को अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है क्रेडिटर, और क्रेडिटर मतलब क्या होता है? लेनदार। तो इनसे जब माल खरीदेंगे इनको पैसा देंगे, क्या देंगे? पैसा देंगे, इसीलिए बोला गया डेबिटर मतलब लेनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार, मतलब जिससे हम माल खरीदते हैं
वो हमारे व्यापार के लिए सप्लायर है और सप्लायर को अकाउंटिंग की भाषा बोला था सर्जरी क्रेडिटर और क्रेडिटर को पैसा देना हो। ठीक है, जिसको हम गुड्स बेचते हैं वस्तु सर्विस बेचते हैं वो हमारे व्यापार के लिए बोला था कंज्यूमर और अकाउंटिंग के भाषा में लिखा जाता है उसको सर्जरी डेबिटर और डेबिटर सबको पैसा लेना होता है। इतने लिखा है डेबिटर और देनदार वो पैसा देंगे किसको हमारे व्यापार, क्रेडिटर लेनदार वो पैसा लेंगे किससे हमारे में, बोला हमारे बुक ऑफ अकाउंट में जो नाम आएगा डेबिटर्स में तो समझ जाएंगे उससे पैसा हमको लेना, और हमारे बुक ऑफ अकाउंट में जो नाम आ गया क्रेडिटर में तो समझ जाएंगे उनको पैसा हमको देना। ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा कितना पैसा लेना है कितना पैसा देना है। ठीक है, अगर यह क्लियर ना हो तो आप आसानी तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे और भी इससे कम्युनिकेट करने सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने नोट नोट दे दिया सबको। ठीक है, नोट्स भी मिल गया आप लोग घर पे जो बाकी है जितने, अब हम नहीं बताएंगे ये पढ़ के आएंगे जो पढ़ा दे उसके अलावा जो भी है उसमें अकाउंटिंग टर्म उसमें 30 है, 30 में मुझे लग रहा 15 बता ही दिया, 15 जो भी है पढ़ लीजिएगा आप लोग, कल मैं पढ़ाऊंगा उसको एक एक करके।